नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जाधव पोलन एग्रो मिनरल बरोड़ा गुजरात से। आज मैं आया हूँ सनखेड़ा तालुका में, जो कि एक केला 1 जून का प्लांटेशन है और अभी 15 दिन में लगभग इसका मुहूर्त हो जाएगा, जो कि कटिंग के लिए अभी तैयार हो गया है, रेडी है। तो अभी धीरे 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 करके अभी गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो ऊपर ऐसा उसको ढकवाना चाहिए, जो कि यहाँ के पत्ते काट कर यहाँ पे अगर उसके ऊपर बूंदा के ऊपर अगर रख दोगे तो उसको जलन नहीं होगी, उसके वजह से इसको छाव मिलेगी तो ये पीला नहीं पड़ेगा और ऊपर से जलन नहीं होगा। अगर वहाँ पे ढकवाओगे नहीं तो वहाँ पे गर्म ताप लाग के यानी गर्मी लग कर वो वहाँ पे जलन हो जाता है, तो ये पूरा नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों अभी इसमें हम फर्टिलाइजर शेड्यूल अभी दे रहे हैं इसको थोड़ा अर्ली कटिंग करने के लिए। 1050 है, 5 किलो, उसमें स्पाइन लेते हैं 500 ml। 4 दिन के बाद हम दे रहे हैं 1345 5 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, और 4 दिन के बाद यानी कि 4-4 दिन के हिसाब से अभी हम थर्ड डोज ले रहे हैं, उसमें पोटेशियम सोनाइट है और PS40 है। दोस्तों ये शेड्यूल हर 4-4 दिन के हिसाब से, जब अभी 15-20 दिन अपना कटिंग बाकी है तो उस हिसाब से ये शेड्यूल अभी जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये भरन होता है यानी पूरी तरह से ये जो पॉइंट रहता है, ये पॉइंट का गैप जो है ये भर के निकलता है। अभी इसमें आइडोल का 2 स्प्रे भी हो गए है दोस्तों। अभी ये जब भरन होगा, स्प्रे से अभी भरन हो गया है, तो और लंबाई इसमें आएगी धीरे धीरे करके, जैसे कि कटिंग इसका होगा तो अपने को एकदम जो 14 आनी केला होना चाहिए दोस्तों, जो उसको 14 कैलिबर जो बोलते हैं, वो ये यहाँ पे इसमें अभी दिखता है। 8 या 15 दिन में इसमें मुहूर्त हो जाएगा। टोटली प्लॉट 1 जून का है प्लांटेशन। अभी रेट भी अच्छे है, रेट जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे, खेडूत लोग खर्चा यानी जो किसान भाई है अभी खर्चा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है कि अनिल भाई हमें आप शेड्यूल बताइए, जो कि हम अर्ली उसको कटिंग कर सकें। तो दोस्तों ये शेड्यूल अगर आप चलाते रहोगे, स्प्रे अगर नहीं हुआ है तो भी स्प्रे करवा लीजिए 1 स्प्रे, और नीचे से ड्रिप में ये शेड्यूल चलाते रहो। अगर जिन्होंने नीचे से रटून रख दिया है अभी से, तो उसके लिए ऊपर स्प्रे M45 का स्प्रे करो और नीचे ड्रिंचिंग उसमें लेने का है ब्लीचिंग पाउडर, जिन्होंने यही पौधे का रटून रखा है उन लोगों के लिए। और जिनका अभी एक कटिंग बाकी है या 15 से 20 दिन कटिंग के लगने वाला है, 1 महीना अभी कटिंग आने वाला है, तो उसके लिए शेड्यूल चलाओ। उसमें क्या होता है, जो पोटास का भरन क्या है, ये भरन के लिए पोटास काम करता है। नीचे से अगर स्पाइन आप दोगे तो सोया प्रोटीन उसमें क्या करता है, जितना आप न्यूट्रन दिया हुआ अपटेक करने का काम करेगा, इसमें प्रोटीन बढ़ाएगा, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएगा, उसमें आपको लगभग 2 से 2.5 किलो वजन आपका बढ़ेगा। पोटेशियम सिलिकेट इसमें आता है, पोटेशियम सिलिकेट जो कि 40% आता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है। तो आप हर यानी ये शेड्यूल में अगर लोगे तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है केले में दोस्तों। ओवरऑल अगर हम टोटली प्लॉट अगर देखें तो वैसे एक ही क्वालिटी है। ये भी प्लॉट आप देख सकते हो, मैं पूरा टोटली प्लॉट आपको दिखा सकता हूँ, आप देखिएगा टोटली। इसमें लंबाई अच्छी मिली हुई है। अभी ऊपर अगर इस साल ठंड के हिसाब से देखें तो भी इसमें क्वालिटी अच्छी है, लेंथ भी प्रॉपर मिली हुई है। ऊपर की साइनिंग अगर 10 फनी जो बोलते हैं, जो कास्के 180 से 109 नग हम